हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पार्ट टू व्लॉग। और ये है मेरा आज का व्लॉग। आज हम घूम रहे हैं वृंदावन की सड़कों पे। यहाँ पे थी बहुत सारी गौ माता। वृंदावन की तो बात ही नहीं आई है। अब हम जा रहे हैं हम सभी के लिए बांके बिहारी जी के मंदिर। और यहाँ से शुरू होता है हमारे बाकी बिहारी जी के मंदिर में जाने का पैदल का रास्ता। यहाँ से हमने करी एंट्री बाकी बिहारी जी के मंदिर में, और यहाँ पे वीडियो बनाना बना था तो इसलिए हमने फोटो लगा दी। दर्शन करने के बाद हमारे साइड में एक रेस्टोरेंट दिखा तो हमने वहाँ पे नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद हम गए राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पास था। यहाँ से हमने एंट्री करी राधा वल्लभ जी के मंदिर में। यहाँ का मंदिर देख के तो बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पे होली स्टार्ट हो जाती है बसंत पंचमी से। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। राधे 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 सबको राधे 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 सब बोलो राधे राधे। यहाँ से हम चले निधिवन की ओर, क्योंकि निधिवन मंदिर से बहुत पास था। 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, हम तो चले पैदल। जिसको रिक्शा से जाना हो रिक्शा से भी जा सकता है। ये है निधिवन, और यहाँ भी 7:30 बजे के बाद कोई नहीं दिख सकता है, पक्षी जानवर कोई नहीं। यहाँ पे जो तुलसी जी के पौधे हैं, ये रात को गोपियाँ बन जाती हैं, और रात को कृष्ण जी और राधा जी अपनी रास लीलाएं दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस कुएं में जब गोपियाँ थक जाती हैं तो कृष्ण जी यहाँ पानी पिलाते हैं उन्हें। यहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ जब भी आओ एक बार रात पर भी जरूर जाओ। फिर हम पहुंचे रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर को सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यही है वो खंबा। यहाँ पे 2 खंबे थे और एक तो अंग्रेज ले गए। फिर यहाँ पे हमने अंदर मंदिर के दर्शन करे। ये है आप सभी के सामने भगवान जी।
ये था शीश महल और यहाँ पर आपको 5 रुपए के अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे वाहन थे और यहाँ पर आप 10 रुपए की टिकट लेकर अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर चैत्र के महीने में इन सभी रथों को लेकर, इन सभी वाहनों को लेकर एक यात्रा निकलती है। ये सब वही सवारी है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की वाली सवारी है ये सब। यहाँ पे हाथी भी है, घोड़ा भी है और पालकी भी है। तो हम वहां से चल के जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ। उन्होंने इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही एक सुंदर सी छोटी सी मार्केट बना रखी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ये रहा इस्कॉन टेम्पल और आप इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कह सकते हैं। यहाँ पर अभी आपके का समय नहीं आया था और पैदा बन था तो कभी बहुत ही उत्साह से नाच रहे थे। इस्कॉन मंदिर के पास ही 35 फीट दूरी पर प्रेम मंदिर है, तो हम पैदल ही वहां पे चल दिए। ये है प्रेम मंदिर और जब भी आप यहाँ आए तो रात के समय में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे तो बहुत ही भीड़ थी, जहाँ भी जाओ वही भीड़ मिल रही थी। उन्होंने
यहाँ पर ऐसे भगवान जी की लीलाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर कैंटीन भी दी गई थी, इसको खाना खाना और यहाँ पे खा सकते हैं, पर लेकिन भीड़ बहुत थी इसलिए मैं नहीं कर गई। मंदिर के पास में ही चौपाटी थी तो हमने वहाँ पे खाना खा लिया। आज का व्लॉग तो यहीं पे खत्म होता है। ये तो वृंदावन का सफर, अब बाकी रह गया है मथुरा, नंद गांव और सभी जगह, तो वहाँ का व्लॉग भी हमारे साथ देखिएगा जरूर।